हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहिनी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोहिनी क्विक रेसिपी में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं चटपटी छोकी हुई हरी मिर्च का अचार। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चटपटी छोकी हुई हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए मैं यहां पे 100 ग्राम हरी मिर्च ली हूं। ये वही हरी मिर्च है जो सब्जी चटनी में हम लोग यूज करते हैं। इसे धोकर इसका पानी सुखा लिए हैं। अब इसको हम कट लगाएंगे, तो नाइफ के माध्यम से इसका डंठल काट के हटा दें। अब इससे इसे हम जीरा लगा देंगे। इसी तरह से बाकी के भी हरी मिर्च हम डंठल हटाकर उसे बीच से काट लेंगे। तो ये फटाफट कट जाता है, ये कोई हार्ड काम नहीं होता है। ये फाइनली मेरा सारे मिर्च कट चुका है। अब चलते हैं छोंक लगाने के प्रोसेस में। तो 2 बड़ी चम्मच तेल डालें और जब तेल गर्म हो जाएगा तब इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1/4 चम्मच हींग, और जब ये पक जाएगा तब इसमें कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे। तो ये पक चुका है, अब इसमें कटा हुआ हरी मिर्च डालें। इसे एक बार चला दें अच्छी तरह से और फ्लेम को हाई रखें। स्वाद अनुसार नमक डालें, 1 चम्मच राई पाउडर, 1 चम्मच सौंफ पाउडर, 1 चम्मच पीला सरसों पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर। सभी मसालों को अच्छी तरह से मिला लें। अब इसमें हम खट्टापन लाने के लिए 1 नींबू का रस मिलाएंगे। एक नींबू ले लीजिए, उसे बीच से काट कर इसमें हम निचोड़ देंगे। नींबू के रस को भी अच्छी तरह से मिला दें। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे और बीच बीच में इसे हटाकर हम देखेंगे। तो हाई फ्लेम पे इसे ढक दें। 5 मिनट हो चुका, अब ढक्कन हटाकर देखेंगे। अब फाइनली मेरा छोकी हुई हरी मिर्च का अचार बनकर तैयार है। अब गैस फ्लेम ऑफ कर दें। ये खाने में तीखा खट्टा बहुत ही चटपटा लगता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इसे आप फ्रिज में रखकर 1 सप्ताह तक खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। अगर मेरी रेसिपी आपको यूजफुल लगती है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।